विकास कार्य भी करेंगे। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, बदलने रहता हूँ। कोई ना सुने, सब बेटा, मैं दूर का नहीं हूँ, मैं तो आपके बदलने रहता हूँ। मेरे पिताजी आपके पीछे बैठे, देखिए अगर रामवीर सिंह भिदूरी जी आते और विकास क्षेत्र के विकास का काम नहीं होता, आप मेरा कॉलर पकड़ लेना, मैं उनको वहां से लाके यहाँ काम कराऊंगा। और बताइए इससे ज्यादा क्या आपको बताने की चाहिए। माताजी आप सही कह रही हो, मेरा दुर्भाग्य है कि एक हमारे क्षेत्र में काउंसलर भी दूसरी पार्टी का है, हम उससे फिर भी काम करवाते हैं। काउंसलर था वो कांग्रेस का है, अब वो बदल लिया, वो भी बिक गया। उसने तो 20 करोड़ रुपए देके वो 5 करोड़ देकर टिकट खरीद लाया। राम जी नेताजी झाड़ू में चले गए, काउंसलर बेचारे कांग्रेस का था, समझे, वो भी उसी भी झाड़ू में चला गया। अब काम कौन करे भैया, वो तो चुनाव में जो पैसा खर्च कर रहा है, अब वो तो लगा पड़ा है उसके, वो चिंतित कर रहा है, वो परेशान हो गया। राम सिंह नेता वो कह रहा कि मैंने करा क्या, 22 लाख तो हमने केजरीवाल को दे दिए, समझे, 22 करोड़ तो केजरीवाल को हम दे के आ गए, और यहाँ पे कम से कम 10-15 लाख करोड़ रुपए और खर्च कर डालेंगे हम। अब जनता हमें वोट भी नहीं दे रही, क्योंकि जनता जानती है कि राम सिंह नेता अंगठा टेक आदमी है। देखो जी, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है वो विकास भी नहीं करा सकता। पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए है, हम में से बहुत लोगों के अगर बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं माता कि इस छोटे से बच्चे को ना MBBS डॉक्टर के पास लेके जाए। ये सही बात है डॉक्टर साहब भी नहीं, आपकी आपको दिखाने की बजाय। तो भैया जब लोग ये सोचते हैं, जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर बढ़िया वाला ढूंढते हैं, तो बढ़िया वाला कैंडिडेट भी तो हम ढूंढे जो हमारा विकास करा दे। जिस नाली के लिए आप माता जी आज कह रही हो ना, उस नाली में अगर BJP का पार्षद होता ना तो यहाँ बैठा होता, और आप अगर बोलती ना तो उसकी गुत्थी पकड़ देती है कि बात है तो बहुत मार रहा है तू, यहाँ ये सफाई नहीं करवा रहा। पर क्या करे, वो तो चला गया झाड़ू के पास, क्योंकि उसने तो सुता दिया ना, तो वो तो चला गया। फिर क्या, और जो आदमी ना अन्ना हजारे के आंदोलन में कसमें खा रहा था, हम गरीब आदमी है, हम छोटे आदमी है, आज पार्टी में कोई ऐसा विधायक नहीं है। वो एक कोयली विधायक था जो जूता चप्पल में बैठा था, तो सब कह रहा था देखो मेरा विधायक बैठा है जूता चप्पल में, और अब ना कोई भी ऐसा नहीं है, सारे अरबपति हैं। भैया 2 मिनट में ही बदल गए, 5 साल में खुद को भी बदल लिया। पहले मुकनर में खांसता था ना, खांस खांस के ना आज खांसी गायब हो गई। अपना इलाज करवाता है बेंगलोर में, अपना इलाज करवाता है लंदन में, और हमें दे दिया मोहल्ला क्लिनिक जिसमें गधे बैठे हैं, हम वहां अपने इलाज करवाए। भैया क्यों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक की योजना है, अगर इससे भी ज्यादा कोई गंभीर बीमारी होती है तो उस कार्ड को लेके अपोलो में कराओ, प्राइवेट में कराओ, सरकारी में कराओ, 5 लाख तक का सिर्फ वो कार्ड एक बार बनता है माता जी, मात्र एक बार, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है। इसने इस योजना को इस दिल्ली में नहीं लागू करने दिया। भैया क्यों नहीं करने दिया, जो आदमी पूरे देश को 5-5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराने के लिए दे रहा है, आज हमारी माँ आप ही बीमार हो जाओ और अगर बेटे के पास पैसे नहीं हो तो क्या करेंगे हम, कम से कम उस कार्ड वो ले जाके हम अपोलो में तो आपको भर्ती करवा लेंगे, समझे, लेकिन अपोलो में वो कार्ड जमा होता कुछ भी नहीं मांगना है। 5 लाख से ऊपर की कॉस्ट जाती है तो सरकार के पास एक एप्लीकेशन जाता है, उसमें 20 लाख तक का इलाज था। इस आदमी ने यहाँ लागू नहीं करने दिया, तो थोड़ी सी में या कहीं भी हमारे इसमें नहीं विधानसभा में लग सकता, मजबूरी है ये मैं जानता हूँ। जो लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग और पढ़े लिखे भी जो लोग हैं ना, जो कानून व्यवस्था को समझते हैं, वो सबे पता है कि सांसद का फंड नहीं लग सकता। सांसद का फंड वहां लगेगा जहाँ ऑथराइज कॉलोनी होगी, या सांसद का फंड वहां लगता है जैसे DDA के वो बनी हुई है, हमारे गौतम बुद्ध में DDA है, वहां वो फंड लगा सकता है। ये आपके पीछे DDA जो बदरपुर में है उसमें फंड लगा सकता है, सब जगह नहीं लगा सकता, तो मजबूरी है। ये फंड होता है विधायक का, मैं आपको बताऊं, नारायण शर्मा अनजाने आदमी को विधायक आप सब लोगों ने चुन लिया, और उस बेचारे को पता ही नहीं था, वो कभी भी आपने नारायण शर्मा को विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में लाइव आप आते होंगे, टीवी भी देखी होगी, कभी नारायण शर्मा को बोलते नहीं देखा होगा। पार्टी भी और मेरे पिताजी के साथी भी, और मेरे पिताजी योग्य हैं सौदानंद जी, और मेरे ख्याल से आपके यहां तो जात होंगे,
हमारे सरदार अंकल जी ने शास्त्री जी के साथ भी काम किया था, शायद आधे लोगों को तो शास्त्री जी का पता भी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री हो रहे पहले मेरे दादा के बदलपुर के माता बहनी और मेरे भाई और साथियों, क्योंकि आज 26 जनवरी का दिन है तो बस प्रोग्राम थोड़े ज्यादा लगे हुए हैं और मैं माफी चाहता हूँ, मैं भी देर हो गया। बस आप लोगों से मेरी हार जो प्रार्थना है कि 8 तारीख को चुनाव का दिन है, आपको अपने मत का उसे अधिकार है और किसी भी पक्ष को देखिए, मैं ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं कहूंगा, आपके बीच में जितने प्रत्याशी आ रहे हैं, चाहे जितने प्रत्याशी आ रहे हैं वो ऐसे नहीं कि जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, श्री रामकृष्ण बिदोड़ी जी हो, श्री रांची गीता जी हो, श्री नारायण शर्मा जी हो, आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि हमने आप तीनों का काम देखा है, किसी ने अगर उनके 15 साल और रणबीर सिंह बिदोड़ी जी के 10 साल अगर उस काम का मुकाबला कर रहे आपकी कॉलोनी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणबीर सिंह बिदोड़ी आप विषय वोट नहीं मारेंगे। चुनाव से मना कर दिया था, अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति हम नहीं करते उन्हीं की पार्टी का आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे नारायण दत्त जी, उन्होंने खुद भाई लोगों से कहे 21 करोड़ का टिकट लगाया जी, कह रहे नहीं करेंगे, आपने सुना नहीं सुना जी, थोड़ा जोर से बोलूंगा, आप अपने हक की बात नहीं करते, इसीलिए कहते कि हिंदुस्तान का इसलिए कमजोर है नौजवान क्योंकि अपने हक की बात नहीं करते, अगर सुना है वहां बोलिए, नहीं सुना तो ना बोलिए, आपने सुना नहीं सुना है। अब एक बता दो, व्यक्ति 21 करोड़ का टिकट लाया वो क्या आपका काम करेगा, सोचिए अगर सोचिए, हम भी इसका आरोप हम भी लगाए उसी पार्टी को उसी व्यक्ति लगाया, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी है, तो मुझे खास आदमी पार्टी हो गई है, क्योंकि आम आदमी टिकट तो किसी को ले रहा है, पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे किसी और कार्यकर्ता को टिकट दे सकते थे, ऐसे व्यक्ति को दिए जो पहले से खून माफी आते और उनका नाम आप हर जगह सुनते थे, अगर वो इतने अच्छे व्यक्ति होते तो उनको 21 करोड़ देने की जरूरत होती किसी पार्टी में, तो आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए कि कम से कम अगर अपना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, कॉलोनी के काम होंगे तो आपकी कॉलोनी कितनी अच्छी होगी, आने वाले वक्त में कितने काम होंगे, क्योंकि आज भी बदरपुर में पूरे वार्ड में पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, सिविल लाइन की सबसे बड़ी समस्या है, पर लोग ध्यान नहीं देते कि क्योंकि दारू और पैसा चल जाता तो काम हो जाता है खराब। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कम से कम विकास को जिताइए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, मोदी जी का आप देखेंगे गरीब का बच्चा सबसे ऊंची वाली सीट पर बैठा हुआ, इससे पहले सिर्फ परिवारवाद चलता था, बड़े बड़े लोग भी प्रधानमंत्री बनते थे, एक गरीब का बच्चा आज देखो कि चाय बेचने से लेकर उन्होंने कहां से अपना जीवन शुरू करा और आज कहां तक पहुंच गए हैं, तो बस थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी गरीब के बारे में सोचती है, आज वो पूरे दिन आज अब क्या आपका आयुष्मान योजना लागू हो जानी चाहिए कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए कम से कम गवर्नमेंट से मिले, वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया, आप बताओ अगर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए मिले तो उसके लिए अच्छा होगा बुरा होगी, हमारे लिए गवर्नमेंट मदद करे, हम उन्होंने सिर्फ एक ही बात रखी थी कि अगर मुख्यमंत्री के नाम पे योजना हो जाए तो लागू कर देंगे, सारे स्टेट में आपके यूपी में बिहार में जहां जितने स्टेट सब जगह लागू हो चुका है, सिर्फ हमारे इसमें नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसी पार्टी को चुनिए, क्योंकि अभी जो खुली बिजली का बात है कल वो कहते हैं मोदी जी ने कह दिया तो मना कर दिया, अब तक तो बोलते मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, अब बोल रहे अच्छे बीते 5 साल लगे अरविंद केजरीवाल ये भी कैसे, उससे पहले बोले काम नहीं करते थे, 6 महीने में से क्या हो गए तो सारे काम होने लगे, इसलिए कहने इस व्यक्ति का भरोसा मत कीजिए, इनका नाम बोलते पड़ी हुआ, अब क्यों बोलते वो पलट जाते हैं। नमस्कार, आज देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम मौजूद हैं यहाँ पे ताजपुर पहाड़ी के बुद्ध विहार क्षेत्र में, और यहाँ पे आए हुए हैं क्षेत्र के जाने माने हस्ती जो पूर्व विधायक रहे रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के सुपुत्र सचिन बिदोड़ी जी, आइए बात करते हैं, कुछ सवाल पूछने के लिए। सचिन जी आपका स्वागत है, क्योंकि आज 71वां गणतंत्र दिवस आज के दिन संविधान लागू हुआ था, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और आज आप देखें कि अगर एक कानून पास हुआ है
सीसीए और जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ है, प्रधानमंत्री जी से पास हुआ है, राष्ट्रपति जी से पास हुआ है, उस कानून के खिलाफ आप देख रहे हैं कि कुछ लोग राजनीति करके उसको रोका जा रहा है। तो बताइए, उनसे पूछिए कि अगर कोई कानून पास हो गया है और वो देश के हित में है, और कौन सा एक मुझे पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने जो कानून बनाया वो हिंदुस्तानी को कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तानी को कोई खतरा नहीं है, तो फिर किनको दिक्कत है? अगर वो कह रहे होते मतगणना करना हर कंट्री में, हर जगह, हर देश में कानूनी अधिकार है और ये जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो गणना करके रखे कि हमारे देश में कितने देशवासी है। इसमें मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसमें कौन सी राजनीति उन्होंने डाल दी है कि किसी एक पक्ष को बोला कि आपको देश से निकाल देंगे। जब प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने खुलकर बोला है, स्टेज पे बोला, माइक पे बोला है कि हिंदुस्तानी जितने भी है उनको कोई खतरा नहीं है, वो इस देश के वासी है और कोई माई का लाल उनको इस देश से नहीं निकाल सकता। तो हम तो यही कहेंगे, देखिए हमारा देश हर एक जाति से, हर एक प्रांत से लोग आते हैं, सब रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसको ये लोग फूट डालकर आपस में बांटे ना। क्षेत्र में आप किस किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे? देखिए क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में जो कि जाम लगता है, आपके यहाँ ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी है। हमने पहले भी बोला था कि एनटीपीसी से हमारी पूरी ताकत लगा के थी, क्योंकि जब हम चुनाव जीत के आए थे तो हमारी सरकार नहीं थी ऊपर, क्योंकि जब एनसीपी से जीत के आए थे हमने तब भी कोशिश करी थी। अब हमारे सबसे जो जरूरी है कि कम से कम एनटीपीसी की जो दीवार है उसको 100 फीट पीछे हो जाएगा तो ट्रैफिक का समाधान हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी? हाँ जी, ये सबसे पहले प्रतिमा आएगी। फिर स्कूल, जिनकी व्यवस्था आज इन्होंने खस्ता कर दिया, सिर्फ ये कहते कि हमने स्कूल, हमने जबकि इन्होंने वादा किया था हम स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज का वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आए थे कि ओजोन हटवा देंगे, ना ओजोन हटा, ना कोई नया स्कूल बना, और कहते जी स्कूल और कमरों में बनाने में अंतर होता है, ये कमरे बना देते हैं उसको स्कूल कह देते हैं, पर नए स्कूल की किसी की भी मुझे लगता नहीं बदरपुर में कोई नए स्कूल को बनवाया गया है। या और आज यहाँ बदरपुर में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है पानी निकासी की। इसको समस्या का समाधान नहीं होगा तो आने वाले वक्त में बदरपुर में सबसे ज्यादा समस्या इसी चीज की पड़ेगी। और अस्पताल का, आज से पहले 2008-07 में शीला दीक्षित जी आई थी और रामजी सिंह भिधूड़ी जी उस टाइम विधायक थे, 200 बिस्तर के अस्पताल का उद्घाटन किया था, आज तक उस अस्पताल को आगे किसी ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसके बाद हम चुनाव हार गए 2008 के बाद, और वो आज तक ये पता नहीं कि वादे तो किए उन्होंने, उसके बाद ये नहीं पता कि उस अस्पताल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि बताइए, अगर इतनी वोटों से नारायण जज जी और आम आदमी पार्टी 94,000 वोटों जीती थी, हमें 46 साल में तो हमसे डबल वोट पाई थी उन्होंने, कम से कम रामप्रीत सिंह भिधूड़ी के मुकाबले डबल काम तो कराए, डबल तो छोड़िए और रिपेयर भी नहीं कराया और काम कर सोचा भी नहीं। अस्पताल होना चाहिए यहाँ पे। अब 836 एकड़ का इको पार्क बन रहा है, आप ये बताइए एशिया में सबसे बड़ा पार्क बन रहा है, उसमें एक छोटा चिड़ियाघर होगा, उसमें साइकिल ट्रैक होगी, एक छोटे कॉलेज की व्यवस्था होगी, वहां पर स्कूल की व्यवस्था होगी। हम तो सोचे नरेंद्र मोदी जी ने और हम इतना बड़ी सौगात दी है और हमारे गृह मंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है इस क्षेत्र को, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करनी चाहिए। देखिये जनता से तो हम एक ही बातें कहेंगे, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। तो NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।